ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் யுவர் ஹோஸ்ட் மீகா. அ வெரி வார்ம் வெல்கம் டு அவர் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார் லைஃப், இன் விச் வி வில் டாக் அபவுட் த லைஃப் ஆஃப் சல்மான் கான். பை கானோ மே கான் சல்மான் கான் ஹே. பாய் ஜான் கே கியா ஹி கஹனே ஹே. பாய் ஜான் ஹே படே தில் வாலே. சல்மான் கான் கா தூசரா நாம் ஹே படே தில் வாலா, கியோகி உன்கி தரியா தில்லி, உன்கி பாய் கிரி, ஹர் கோய் இஸ்ஸே வாகிஃப் ஹே. சல்மான் அகர் கிசி கோ பாய் பனாதே ஹே, கிசி கோ தோஸ்த் பனாதே ஹே, तो भाईगिरी भी निभाते हैं और दोस्ती भी. कुछ ऐसे उदाहरण फिल्मी दुनिया में मौजूद है जहां सलमान ने शिद्दत के साथ दोस्ती निभाई है. इस खास प्रोग्राम में मैं आपके साथ मेघा, कटरीना कैफ और सुनील शेट्टी सलमान खान के साथ अपनी दोस्ती को किस तरह से बयां करते हैं, इस दोस्ती पर सलमान खान कितना खरा उतरे हैं वो एक्सप्लेन करते हैं. इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे. कटरीना से शुरुआत करेंगे. कटरीना कैफ और सलमान खान का जिक्र जब साथ साथ होता है, लोगों को लगता है जरूर कोई प्यार वाली बात है, लोगों को लगता है जरूर इनकी शादी को लेकर कोई बात है. तो जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में आप सबसे पहले जानिए कटरीना कैफ से जब किया गया ये सवाल कि क्या सलमान खान है आपके लिए सबसे ज्यादा खास, जब कटरीना से सवाल किया गया कि आपकी और सलमान की शादी को लेकर, आपके अफेयर को लेकर आए दिन खबरें आती हैं, उस पर कटरीना क्या कहती हैं, सुनिए जरा. बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ के दिल के दबंग सलमान खान काफी ज्यादा करीब हैं और ये बताने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है. करीब 16 साल हो चुके हैं कटरीना सलमान की दोस्ती को, 16 साल हो चुके हैं इनके बॉन्ड को. और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज भी सलमान को लेकर कटरीना का कंसर्न और कटरीना को लेकर सलमान का प्यार निकल कर सामने आ ही जाता है. आज भी सलमान मियां और कटरीना कैफ एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा बस क्रिएट कर ही देते हैं. इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह से सलमान खान के साथ फिल्म भारत में स्क्रीन शेयर करने के बाद जब कटरीना लगी हुई थी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फिल्म के प्रमोशन में, ऐसी सिचुएशन में कटरीना से लोगों ने पूछ डाले सवाल उनके और सलमान के रिलेशन पर. और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कटरीना सलमान के साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ती हुई सुनाई पड़ी. पहली बार कटरीना ने बताया कि आखिर सलमान खान उनके लिए हैं क्या. पहली बार कटरीना ने बताया कि उनकी जिंदगी में सलमान की जगह क्या है. बता दें आपको, सलमान खान के बारे में जब कटरीना से सवाल किया गया, जब कटरीना से ये कहा गया कि आज भी आप दोनों के अफेयर को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, आज भी आपके अफेयर को लेकर कई तरह की बातें सुनने में आती रहती है, क्या सच में ऐसा कुछ है? इस सवाल के जवाब में कटरीना ने कहा, हम दोनों पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब हम दोनों बस बहुत अच्छे दोस्त हैं। कटरीना सलमान की तारीफ में कहती हैं, 16 साल से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। सलमान एक बेहद सच्चा इंसान है, जब आपको जरूरत होगी तब वो आपकी मदद करता है, भले ही वो आपके कॉन्टेक्ट में ना हो लेकिन वो आपकी पीठ पीछे भी निगरानी रखते हैं, वो आपके साथ संपर्क में नहीं भी होंगे तो भी दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं. कटरीना कैफ ने भले ही इस बयान के जरिए सलमान खान के साथ अपने अफेयर की खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया हो, लेकिन पता चलता है साफ कि सलमान उनके लिए कितना खास है. पता चलता है कि सलमान उनकी लाइफ में कितना मायने रखते हैं. हालांकि आपको बता दें, कटरीना कैफ और सलमान खान के कई सोशल वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. कटरीना और सलमान के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहां कटरीना सलमान खान की परवाह कर रही हैं, जहां सलमान कटरीना की परवाह कर रहे हैं. इन वीडियोस को देखकर साफ पता चलता है प्यार भले ही इन दोनों के बीच ना हो लेकिन एक ऐसा रिश्ता इनके बीच है जिसकी नींव बड़ी मजबूत है. भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ना हो लेकिन जब भी सलमान खान और कटरीना कैफ एक साथ हो, इनकी शादी को लेकर सवाल किया जाए तो जरूर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जरूर ये दोनों शर्मा जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर सवाल का जवाब छोड़ देते हैं.
और अगर इससे आगे बढ़ते हुए बात की जाए सलमान खान की, तो बता दें आपको कि सलमान खान ही कटरीना के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। सलमान भी अब कोई लंबी झूठी उम्मीद अपने चाहने वालों को नहीं देना चाहते। सल्लू मियां भी अब चाहते हैं कि सारी बातें क्लियर रहे। तो सलमान खान से सवाल किया गया कि क्या कटरीना कैफ आपका लकी चार्म है, क्या कटरीना कैफ आपके साथ जब भी फिल्म में होती हैं तो आपकी फिल्म हिट जाती है, क्या आप कटरीना को अपना लकी चार्म मांगते हैं? इस पर सलमान ने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर कटरीना मेरे लिए लकी चार्म होती तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर युवराज सक्सेसफुल होती, मुझे लगता है यहाँ पर मैं लकी हूँ। यानी अब सलमान खान जो है वो हंस खेल कर जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे फैंस को लगे कि अब भी इनके बीच कुछ तो है। फिल्म भारत में सलमान और कटरीना ने एक दूसरे के साथ रोमांस किया, इनकी शादी का सीन भी भारत में फिल्माया गया। भारत फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े और इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स के दौरान एक बात ये साफ हो गई कि सलमान और कटरीना प्यार आज भी एक दूसरे से करते हैं, फिर चाहे ये प्यार दोस्ती का हो, ये प्यार लव बर्ड्स वाला हो, ये प्यार एक्स लवर वाला हो। यदि कटरीना कैफ और सलमान खान दोनों ही अपनी तरफ से फैंस को कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहते, ये फैंस के बीच कोई झूठी इच्छा नहीं बनाना चाहते, कोई फिजूल का बस नहीं क्रिएट करना चाहते, इसलिए सलमान ने कह दिया कटरीना मेरी लकी चार्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। कटरीना ने कहा सलमान मेरे लिए एक खास दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कटरीना ने यह भी कहा सलमान जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यही बात सुनील शेट्टी भी कहते हैं। सुनील और सलमान का दोस्ताना किसी से छिपा नहीं है। इस दोस्ताने पर बात करते हुए सुनील शेट्टी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भाई सल्लू मियां की तारीफ तो सुनील शेट्टी भी करती हैं। सलमान खान ने साल 2015 में फिल्म हीरो के जरिए सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को बॉलीवुड की दुनिया में लॉन्च किया। सलमान और सुनील की दोस्ती भी खूब रही। अब एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी बताते हैं कि सलमान का दिल कितना बड़ा है। एक इंटरव्यू में सुनील बताते हैं कि सलमान खान के दिल में कितनी दरिया दिली है। दबंग खान और अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए सुनील बताते हैं कि अगर बाकी चीजों को आप अलग भी कर दो तो भी सलमान मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। सलमान मेरे काफी क्लोज है। हम दोनों हर महीने में एक दूसरे से मिलते हैं। मैं सलमान को हाय कहने उसके घर चला जाता हूँ, जहाँ पर हम बातचीत करते हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरी जिंदगी में ऐसे कम ही लोग हैं जो कभी असफल नहीं हुए, उन पर हमेशा आशीर्वाद बना रहा। मैंने हमेशा कहा है कि सलमान अच्छे बच्चों में से एक है। आज लोग इस बात को खुद एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि सलमान एक बहुत शानदार इंसान है। सुनील शेट्टी कहते हैं कि सलमान एक ऐसा सुपरस्टार है जो एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है। एक ऐसा इंसान है सलमान जिसे अपने माता पिता के साथ रहकर काफी ज्यादा सुकून मिलता है। सलमान खान के व्यक्तित्व के बारे में अगर आप जानेंगे तो उनका व्यक्तित्व काफी कुछ बयां करता है। सलमान का ड्राइवर, उनका स्टाफ, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर सब वही हैं जो शुरू से उसके साथ रहे हैं। सलमान अपने आप से जुड़े लोगों को बीच में नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा इंसान है जो आधा समय तो दूसरों के इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है। बता दे आपको सुनील शेट्टी सलमान की तारीफ हमेशा करते हैं। वो सलमान को एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा दोस्त और एक बेहद अच्छा इंसान बताते हैं। लेकिन जिस तरह से सल्लू मियां की दरियादिली की वो तारीफ करते हैं, वो हर किसी का दिल छू जाती है। कई साल हो चुके हैं सलमान और सुनील को एक दूजे के साथ भाईचारा और दोस्ताना निभाते हुए, और हम यही कामना करेंगे कि ये भाईचारा, ये दोस्ताना इसी तरह से हमेशा कायम रहे। बस ये दोस्ताना यूं ही सलामत रहे और इसे किसी की नजर ना लगे। तो दोस्तों स्टार लाइफ में आज के लिए इतना ही। सलमान खान की दोस्ती पर क्या कहते हैं कटरीना सुनील, इस मुद्दे पर हमने आपसे चर्चा की। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड।